चाहता है तो ले सकता है। 19 तारीख को मतदान होना है, 22 तारीख को रिजल्ट आना है। जो झज्जर से अगर बात करें तो नगर परिषद के चेयरमैन की अब की बार पहली बार जो है डायरेक्ट चुनाव होना है। उससे पहले जो वार्ड के जो पार्षद थे वो मिलकर के एक चेयरमैन को बनाते थे। तो जो झज्जर के नगर परिषद की अगर बात करें तो 18 उम्मीदवारों ने जो है चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। हमारे साथ एक युवा चेहरा हैं, राव अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अपनी अलग से एक छवि है, शुरुआत से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। खेलों की बात हो चाहे अन्य समाज सरोकार की बात हो तो शुरुआत से ही ये सक्रिय हैं और इन्होंने भी कल अपना नामांकन जो है दर्ज किया है। हमारे साथ राव अनुज हैं, स्वागत। नमस्कार जी। कल आपने नामांकन भर दिया है, 15 दिन चुनाव प्रचार के लिए रह गए हैं, तो क्या राव अनुज अपना जो है विजन लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रणनीति आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को नमस्कार करना चाहूँगा और रणनीति रही रणनीति की बात, सबसे पहले तो आज 5 जून है पर्यावरण दिवस और उसको जनता को अपने झज्जरवासियों को उनकी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ना मैं अपने एक एक आदमी कम से कम 4 से 5 पेड़ अपने घर पर या किसी पार्क में उनको लगाए और जो एक अपना एक खुशहाल हरियाली झज्जर को एक खुशहाल बनाए। आप एक युवा हैं, बतौर आप युवा जब आप काफ़ी कम देखते हैं कि युवा जो है राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो जो आपको कैसे आपको लगा कि आप राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि समाज के जो कार्य हैं उसमें तो आप पहले से ही सक्रिय हैं, तो कहाँ आपको ये लगा कि कमी महसूस हुई कि आपको राजनीति में आना चाहिए और लोगों के और जनता के बीच में जाकर के उनके काम करने चाहिए, तो कहाँ? बस मुझे यही लगा कि भी मैं तो जनता से जुड़ा हुआ हूँ, सब परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ, जिनके काम नहीं हो पा रहे, जो देखते हैं मुझे पता लग रहा है कि वे नगर परिषद में जा रहे हैं उनके काम नहीं हो रहे और भी कहीं जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं या उनकी गलियों का काम है या नालियों का काम है या सीवरेज का काम है, जब उनके काम नहीं हो रहे, वे गली मेरी भी हैं, मेरे खुद के भी काम नहीं हो रहे, तो मैं ये भावुक हो रहा हूँ इस बात से कि ना उनके काम नहीं हो पा रहे, किस वजह से काम नहीं हो पा रहे, भाई सरकार नहीं करवा रही या बीच में कोई चेयरमैन नहीं करवा रहा, कौन नहीं करवा रहा, तो उस बात को देखते हुए मुझे इस बात में आगे आना पड़ा है कि भी मैं भी एक जनता की तरफ से आगे भाग के आगे देखूं, भाई ये अटक कहाँ रहे हैं काम, अरे हम भी तो देखें उस चीज़ को, जहाँ अटक रहे हैं उसको बार हम करवाएंगे ना जनता के आशीर्वाद से, तो इसलिए मैं आगे आया हूँ कि जनता का सब काम होने चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है कि झज्जर शहर में किसी की भी समस्या ना हो और समस्या हो तो समस्या का समाधान हो, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। झज्जर शहर में काफ़ी समस्या है, सफाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, जल भराव की काफ़ी समस्या, स्ट्रीट लाइट की भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होंगी। राव अनुज क्या समस्या चिन्हित कर पा रहे हैं, क्या मेजर कोई समस्या है जो कि होना ही चाहिए काम, क्या समस्या है आप चिन्हित कर पा रहे हैं? समस्या तो बहुत सारी है, समस्या को गिनने लगेंगे तो शाम हो जाएंगी, समस्याओं का कुछ मुद्दा नहीं है, समस्याओं की तो यही बात है ना, मेन ठोस मुद्दा तो ये है ना, समस्याओं का हल होना चाहिए। समस्या तो होंगी अपने घर में भी, आपके घर में भी, समस्या किसके पास नहीं होती, समस्याओं का समाधान करना चाहिए, समस्या का समाधान करेंगे वही तो आदमी है ना, इसके बिना क्या बात है। आप बतौर एक युवा जब युवाओं के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं और क्या विज़न, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं तो बतौर एक युवा युवाओं के लिए आपका क्या विज़न है स्पेशली, क्योंकि इस जो ये उम्र होती है उसमें नशों की तरफ भी ज़्यादा युवा जो है आकर्षित होते हैं, तो उसको लेकर के राव अनुज का क्या विज़न है? उनका मुद्दा यही है, अपने जो भाई हैं, जितना भी भाईचारा है, जो यूथ अपने से जुड़ा हुआ है, वो इसी बात को देख कर जुड़ा हुआ है कि राव अनुज अपने झज्जर शहर में या उनके परिवार के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने हमको यूज भी कर रखा है, कहते हैं ना बर्थ का देख लिया इंसान, तो उन्होंने हमको यूज भी करके देख रखा है कि राव अनुज ने हमारा कितना साथ दिया कितना साथ नहीं दिया है, क्योंकि वे हमसे जुड़े हुए हैं, जो आदमी जुड़े हुए हैं जिन्होंने हम बर्थ लिए यूज कर लिए उनको पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, उनके लिए हम रोड पर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी सरकारी काम है उसमें साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, नगर परिषद में कोई काम अटका हुआ है वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, प्रशासन का कोई काम है वहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, बस मेन बात यही है हम उनके साथ हर जगह हर प्रकार से जा सकते हैं बिना भड़क के, क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार ये है क्योंकि मैंने पार्टी किसी पार्टी से टिकट लेना नहीं चाहिए, टिकट लेता तो मैं उनके हाथों की कठपुतली होता, मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ तो मैं अपने डिसीजन अपने जनता के अनुसार ले सकता हूँ, जो भाईचारा मेरे साथ खड़ा है जितना भी भाईचारा जुड़ा हुआ है वो इसी वजह से जुड़ा हुआ है कि वे कोई काम बोलेंगे तो उनका काम होगा, वे फ़ोन करेंगे तो उनका फ़ोन उठेंगे,
उनका जवाब दिया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से। सब पार्टी का आपने जिक्र किया तो बड़ी बड़ी पार्टियां आपके जो कैंडिडेट हैं वो आपके मुकाबले में है, हर पार्टी का अपना एक कैडर होता है, हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, तो उनसे मुकाबले के लिए क्या रणनीति राव अनुज ने इख्तियार की? मुकाबला तो क्या है, जितने भी कैंडिडेट उम्मीदवार उठे हुए हैं सब अच्छे उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा 18 उम्मीदवार उठे हुए हैं भाई अपने से जननगर परिषद में, सब अपनी अपनी मेहनत अपने भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगा भाई अपनी भी मेहनत अपनी खुद भी मेहनत करें। हम अपने जैसे युवा आदमी है, युवा बच्चे हैं, हम अपने लगे हुए हैं, हम भी अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन जनता तो उस चीज़ को देखेगी ना कि भी मेहनत करनी कैसी है, उस मेहनत का फल किसको मिलना है, उनके साथ कौन खड़ा है, साथ कौन नहीं खड़ा है। और हम तो एक ऐसे बच्चे लगा लो, हम तो उनके साथ खड़े हैं, तो अपने चेयरमैन का जो अपना नगर परिषद का इलेक्शन है उसमें अगर हम बने तो जनता के सारे काम होंगे, झज्जर शहर में सबकी समस्याओं का छुटकारा दिलवाएंगे और झज्जर को हरियाणा में नगर परिषद नंबर वन का एक होदा दिलवाएंगे। मेरा एक ही आप युवा जो जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स राव अनुज को जनता के बीच से मिल रहा है, कैसा आप देखते हैं? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जा रहे हैं तो भाई दिल भी खुश हो रहा है। सुबह निकलते हैं भाई 5 बजे उठ के, 5:30 बजे निकल लिए, नहाना धोना खाना भूल रहे हैं भाई, और ये आगे तक भूलना है, हमें बस जनता का साथ देना। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपना एक भाईचारा भी है, उनके दिमाग में अपना नाम भी है, क्योंकि उनको पता है ना कि राव अनुज कर सकता उनके लिए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने ही होगा 22 तारीख को। हमारे माध्यम से झज्जर के शहरवासियों को कोई अपील करना चाहते हो तो? बस फिलहाल तो आज 5 जून है तो भाई यही अपील है भाई, पेड़ पौधे लगाओ और हरियाणा को एक हरा भरा बनाओ, खुशहाल बनाओ। और भाई अपील सबसे बड़ी बात यह है, बड़े बुजुर्ग, भाईचारा और जो जितना भी साथी लोग हैं, जितने भी मरी माताएँ बहनें हैं, सबको सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि राव अनुज भाई को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। नमस्कार। ये राव अनुज थे, तो शुरुआत से ही कई महीनों से ही जो इन्होंने हैं अपनी दावेदारी पेश कर दी थी, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बतौर जो दूसरे कैंडिडेट थे वो किसी न किसी पार्टी से उम्मीदवार बनना चाहते थे, उनकी टिकट की दावेदारी थी, लेकिन जो राव अनुज हैं वो शुरुआत से ही उनका स्टैंड क्लियर था कि जो निर्दलीय है वो जनता के बीच में जाना है, और जो युवाओं का जो एक खास तौर पर आइकन जो है राव अनुज बन गए हैं, और 19 तारीख को जो है नगर परिषद का मतदान होना है, 22 तारीख को उसका रिजल्ट आना है, तो तब तक के लिए बने रहिए, हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की जो नगर परिषद झज्जर की है वो कोशिश रहेगी। शुक्रिया।